दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे और आज एक ऐसे गोपालक से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने देसी गायों को पाला है। वैसे यदि देखा जाए तो हम मुस्लिम समाज से हैं, लेकिन भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का रहन सहन और जिनके कण कण में भारतीयता प्रविष्ट है भीतर तक अंतःकरण तक, ऐसे हैं सनाउल्ला साहब। नमस्कार। और आज आपकी गौशाला में आकर के मुझे खुशी महसूस हो रही है। यह है निमकी मुखिया। क्या नाम है, क्या नाम है इनका? इसका नाम रखा गया निमकी मुखिया। निमकी मुखिया क्यों आपने नाम रखा है इनका? है ये बड़ी चंचल है। अच्छा। और इसकी माँ नहीं थी, मैं दूसरे जगह से लाया था। हाँ, 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 15 दिन की थी ये। हाँ, इसको दूसरे गाय का दूध पिला के पाला। अच्छा। अरे और ये बहुत दुलार प्यार करती है। हाँ, हाँ, तो निमकी मुखिया इसको है ना। अरे सीरियल एक चलता है भोजपुरी, उसका असर बच्चों में भी हुआ और नाम रख दिया निमकी। सनाउल्ला साहब, एक गाय सब आपकी साहिवाल प्रजाति की है, तो जैसे कैसे मन में आया और कितने दिन से आप लोग रखते हैं? देखिए, हमारे पूर्वज गाय पालते आ रहे हैं, शुरू से हम लोग गोपालक हैं। हाँ, हाँ। हमारे दादा बाबूजी सब लोग गाय पालते आए, तो मैं भी गाय पालते आ रहा हूँ। पहले एक दो हुआ करती थी, थोड़ा दिन से मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इसको बड़ा किया जाए। हाँ। और जब 2007 में न्यूजीलैंड का एक वैज्ञानिक A1 और A2 दूध का रहस्यघाटन किया। अच्छा। और इस दूध में क्या गुण है। हाँ। तो मेरा बहुत उत्सुकता जागा और इसके बारे में मैं जानना किताबों में भी पढ़ा। हाँ। और उस वैज्ञानिक का मैं नाम भूल रहा हूँ, तो मैं इसको बढ़ाना शुरू कर। तो मेरे पास इस समय सब मिला जुला करके 8 गाय है, जिसमें 7 गाय है और एक बछड़ा है, और एक बछड़ा है मोहन। हाँ, मोहन। मोहन को क्या करेंगे बाद में आप? मोहन को लोग छोड़ देते हैं और मोहन पिटाते हैं। हमारे यहाँ भी संस्कृति है, छोटे किसान पालते हैं हल चलाने के लिए। हाँ। तो मोहन को ले जाएगा कोई, जो कुछ पैसा दे ना दे उसको दे देंगे। मोहन के गर्दन पर छुरी भी चल सकती है? नहीं नहीं, हम कोशिश करेंगे कि मोहन का रक्षा हो। अच्छा। और मोहन हल चलाए। सनाउल्ला साहब को मोहन की चिंता है, मोहन हल चलाए, मोहन का किसानी खेती किसानी में प्रयोग हो और गर्दन पर छुरी न चले। यह है सनाउल्ला साहब, पूर्वी चंपारण, जहां महात्मा गांधी आए थे और इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए और जो किसानों का शोषण हो रहा था उससे उभारने के लिए। यह किस प्रजाति की है सर? ये वाली ये राठी है। राठी? हाँ। ये राठी से अभिप्राय? ये राठी राजस्थान में पाया जाता है और अच्छा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाया जाता है। अच्छा। ये 55 डिग्री टेम्परेचर में भी दौड़ सकती है। अच्छा, रह सकती है। अच्छा। इसके दूध पर कोई असर नहीं होगा, सूखा फूखा घास खा कर के भी। अभी देखिए इतनी छोटी गाय है, ये 14 किलो दूध देती है। अच्छा। बहुत ही शांत स्वभाव का, अभी थोड़ा हाँ थोड़ा भड़क रही है हुई है क्योंकि हमको मगर ये गाय है ना, उसे बहुत प्रेम करती है। हाँ हाँ हाँ। और यह तो बहुत प्यारी है ना। अरे इनकी मुखिया प्यारी है जी, गाय भी अभी हमसे भी दोस्ती हो जाएगी ना? नहीं 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 नहीं। और ये देखिए ये राठी है। अच्छा। इनके ऊपर हम संवर्धन करते हुए अच्छा साहिवाल का हाँ से ये दिया। ये साहिवाल है? हाँ, कामधेनु गौशाला का सीमन है। अच्छा। कुछ नाम भी रखे हैं क्या इन? हाँ, सबका अलग अलग नाम। इनका क्या नाम है? ये नाम इसका वैशाली है। वैशाली? हाँ। वैशाली बिहार में ही है। वैशाली में दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र जो राज्य था हमारा वैशाली था। क्या बात। तो उनके नाम पर श्रद्धा से हम इसका नाम वैशाली। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। इसका नाम है अतिया। अतिया 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 अरबी का नाम है। अतिया का मतलब होता है ईश्वर का दिया हुआ तोहफा। अच्छा। बेतिया तो है बिहार में, अतिया भी कहीं है क्या? नहीं नहीं, अतिया नहीं है, ये अरबी शब्द है। क्या अरबी शब्द है? अरबी शब्द है अतिया। हाँ, अतिया का मतलब होता है ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आफिया। आफिया आफिया का मतलब होता है स्वस्थ निरोग। हाँ, आफिया यानी पूरी तंदुरुस्त, इस कायनात को, इस ब्रह्मांड को स्वस्थ रखने के लिए ईश्वर ने इस प्रजाति की गाय को धरती पर पैदा किया। सुना आपने? हाँ। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ और मेरा आने का उद्देश्य रहा यह नहीं है कि केवल इनको प्रमोट करना है, तो खुद इनको जानते हैं लोग, बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं। माना कि यह बात प्रदेश सरकार CM तक, नीतीश कुमार तक नहीं पहुंची होगी, हमारे PM तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन यह परिचय के मोहताज नहीं है और बड़ा इन्होंने इनके बारे में हम बताएँगे भी सनाउल्ला साहब। अच्छा, कितनी प्रजाति की गायें हैं देश में? भारत में 39 प्रजाति की गाय पाई जाती थी। अच्छा। मगर अब तो विलुप्ति के कगार पर है, 8-10 नस्ल की जो गाय है वो बची हुई है, जिसमें साहिवाल, रेड सिंधी,
गंगोत्री, कंकरेज और ये बद्री और हरियाणवी, हाँ। और गंगोली जो थार पार्कर भी है, वो भी है। थार पार्कर बहुत बढ़िया गाय होती है। थार पार्कर राजस्थान में पाया जाता है, जिसका संवर्धन सूरतगढ़ में भारत सरकार कर रही है। हम एक गाय लिए हुए हैं वहाँ से, एक बछिया 80,000 में हमको मिला है। अरे वाह। तो हम अपने नाम पर नहीं, एक हमारे मित्र हैं, हाँ, जो हमको सहायता किए डाक में, वो खरीदे हैं। हम उनको बताए कि मैं मुस्लिम हूँ और गाय लाना मेरे लिए समस्या हो जाएगा। अरे अरे। तो हमारे लिए वो गाय खरीद के रखे हैं और 80,000 में मैं एक बछिया सूरतगढ़ से लिया हूँ और वो मेरे पास आने वाली है। अभी है कि बछिया आप ले जाएंगे तो रास्ते में कहीं लोग दिक्कत करें, मारना पीटना ना शुरू करें, हत्या न कर दें, उन लोगों के लिए भी नजीर है यह गौशाला। देखिए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दें। चल और सनाउल्लाह साहब, आपके नाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सनाउल्लाह का मतलब होता है सना, हाँ। यानी ईश्वर। अच्छा। और ईश्वर की बड़ाई करने वाले को सना यानी बड़ाई करना, उल्लाह यानी अल्लाह की, ईश्वर की बड़ाई करने वाले को सनाउल्लाह यानी हरब हरी। मेरे नाम का तात्पर्य हरि भजन भी हो सकता है हिंदी में, परमात्मा के नाम का गुणगान करने वाला, गुणगान करने वाला। तो यह किस प्रजाति की बताया इसको आपने? ये साहिवाल है। ये साहिवाल है, साहिवाल गाय है। हाँ। ये भारत का जो बादल बुल है ना, हाँ। ये बादल बुल की बछिया ये है। अच्छा। और ये इसकी माँ वो 17 किलो दूध दिया था अभी। अच्छा। थोड़ा सा बीच में उसको मिल्क फीवर हो गया था, हम एक हफ्ते के लिए। अच्छा, ये इसकी माँ है? माँ है। तो ये 17 किलो दूध दिया, इस समय वो 14 किलो दूध दे रही है। अच्छा अच्छा। तो बीमार हो जाने के बाद में भी। हा। तो ये उससे है ना, ये बादल बुल की बछिया है और इंशाल्लाह ये 14-15 किलो पहले भी आने में देगी। अच्छा सर, क्या खिलाते हैं आप? जैसे चारा में भूसा पुआल का, और देखिए हरा बाजरे का, हरा चारा? नहीं, बाजरा हमारे यहाँ नहीं होता। अच्छा। हमारे यहाँ होता है धान का पुआल होता है, गेहूं का भूसा होता है, मसूर का भूसा होता है, अरहर का भूसा होता है, बंगला होता है, मटर चना मसूरी ये सब होता है, वो सब का भूसा हम खिलाते हैं। इसके अलावा हरा चारा रबी के मौसम में बरसीन की खेती करते हैं, जई की खेती करते हैं, और नेपाली चाइनीज एक तोरी होता है जिसमें आयरन बहुत मिलता है, उसका खेती हम करते हैं। तोरिया, 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 तोरी, तोरी, जो बड़ी प्रजाति की होती, हाँ। है घास में इस्तेमाल। जई, जई भी एक होती, हाँ, है। जई भी, जई में हम लाते हैं वो करनाल वाला, वो लेक लगाते हैं। और इस समय हम सुधा सलगम घास लगाए हुए थे, तो मगर हमारे यहाँ तो बहुत बाढ़ आ गई थी, हाँ हा। जो घास हमारा गल गया। अभी एक लगाए हैं घास दोबारा, जी ओ सांबा लगाए हैं जो 10 दिन के बाद फिर कटने लायक हो जाए। अच्छा, ऐसे गुड़ भी आप देते हैं? हाँ, रोज इनको गुड़, सरसों की खली, चोकर और मकई का दरिया, ये पूरा मिला करके हम इनको संपूर्ण ये देते हैं। और गर्मी के दिनों में इनका खास ख्याल रखा जाता है। पहली बात तो ये गर्मी सर्दी किसी का असर इस गाय पर होता ही नहीं है। मैं भारतीय किसान भाइयों को मैं हाथ जोड़ करके बोलता हूँ कि मेरे भाई, ये भारत में ये गाय विलुप्ति के कगार पर है। अगर भारत का हर नागरिक अपने दिल में ये प्रण कर ले कि इस गाय का हम रक्षा करें, अगर आप पाल नहीं सकते हैं तो इसका दूध तो खा सकते हैं। आपका दूध खाना ही ये गौ सेवा के बराबर है। क्या बात है। सब लोग इसको खाना शुरू करें और उस किसान को अच्छा दाम दीजिए दूध का, HF का, जर्सी का, यानी जो भी संकर नस्ल की गाय है उसका A1 दूध होता है। और इसका दूध A1, A2, बीटा गोल्ड यानी स्वर्ण भस्म इसकी दूध में पाया जाता है। क्या बात है। 2 रोज का बच्चा भी इसके दूध को बर्दाश्त कर सकता है, बल्कि वो जर्सी का दूध आप पियेंगे और कब्र में जा रहा व्यक्ति को भी पोषण करेगा, पोषण करता है। और दुनिया में तमाम बीमारियों को जड़ से खत्म करने की अद्भुत क्षमता ही भारतीय गोवंश में आए। अभी तक दुनिया कोई ऐसी दवा नहीं बनाया है कि जिसको खा लेने के बाद कोई बीमारी नहीं होगा, मगर हमारे भारतीय गोवंश में वो शक्ति है कि इसका दूध अगर आदमी सेवन करे, पहला बात तो कोई बीमारी होगा नहीं, अगर यदि पहले से है भी तो उसमें फायदा करेगा, उसको छुड़ा देगा। क्या बात है। हम हैं सनाउल्लाह साहब के साथ, जो गोपालक हैं आज उनकी गौशाला में। यह देखिए काफी ऊंचाई तक आइए सर, इधर आइए। इसको हम है ना, हाँ। ये कम से कम 14 फुट हाइट छत रखे हैं, हाँ 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 हाँ। और 6 इंच मोटा छत है। अच्छा। उस पर मट्टी डाला गया है ताकि ये। क्या बात है, देखिए बड़ी बात बताया, 14 फीट पर छत है, हाँ। और उसके ऊपर मिट्टी भी डाली गई है, हाँ। कि यह गाय को पूरा सुख मिले। और ये हिंदी महीना चैत यानी मार्च अप्रैल के बाद में इन गायों को हम है ना जून जुलाई
और आधा अगस्त तक बेल का शरबत रोज गुड़ और बेल का शरबत पिलाते हैं ताकि इनका पेट ठीक रहे और ये स्वस्थ रहे। आइए एक बार नाद हम यहाँ से दिखा देते हैं, इनकी नाद है, ये है देखिए, इसमें पुआल यह चारा है, इस समय खा ली हैं लोग, और यह नाद है, यही पानी, और जो गोमूत्र होगा यह इस नाली में जाएगा, नाली से उधर टैंक बना हुआ है। अच्छा हाँ टैंक है ना, हाँ उधर 10 फीट गड्ढा टैंक है। अच्छा मोहन यह है क्या? हाँ ये मोहन। अरे वाह वाह, क्या मोहन जी हाँ। कैसे हैं कैसे हैं मोहन? बहुत बदमाशी अच्छा? करता है। अच्छा हाँ। आपके अच्छे दोस्त हैं क्या? चुमा भी देता है। अरे अरे मारता भी है, कब मार दे और कब चुमा दे ठीक नहीं रहा। अरे 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 क्यों भाई इतने बदमाश हैं क्या आप? और आपको छोड़ दिया जाता है? ये राधा है। अच्छा ये राधा रानी? नहीं नहीं मोहन जी नहीं। अरे 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 यही सब बदमाशी आप पहले भी करते थे, साड़ी वाड़ी लेके चढ़ जाते थे आप कदम पर, अभी आदत गई नहीं आपकी। जन्माष्टमी के कल होकर के दिया हाँ। तो कृष्ण भगवान का जन्म था हाँ। दूसरे दिन दिया तो इसका नाम हम राधा रखे। अरे अरे, तो अरे मेरे बच्चा लोग बोले कि राधा रानी कर दीजिए। अरे वाह 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 वाह। और ये है ना NDRI का सीमन है। अच्छा तो बहुत डेवलप सीमन है भारतीय गोवंश का हाँ, और हाँ, ये अच्छा दूध मिल्किंग में जाएगी। इसकी माँ का दूध अभी 12 लीटर दूध है हाँ, हाँ, जो अच्छा। उधर टैंक कहाँ बनाए हैं जहाँ? आइए आप एक बार बढ़िए आगे इधर देखिए, हम दिखाते चल रहे हैं। हाँ हैंडपम्प है, इसमें इन्होंने सबमर्सिबल भी लगाया है। अच्छा जब गाय को है ना सीमन देना पड़ता है हाँ, तो इसमें बांध कर। अच्छा हाँ। देखिए इसमें गाय को यह करके हाँ। आप पशुपालन वाले जो हॉस्पिटल हैं हाँ। वहाँ देखते होंगे हाँ। तो इन्होंने ऐसे बना दिया है हाँ। और बना करके इसी में उनको घुसाते हैं हाँ। और फिर सीमन चढ़ाना हुआ, कोई इलाज करना हुआ हाँ, तो यह है कटघरा। कटघरा क्या बोलते हैं? कटघरा। आइए साहब ये है देखिए, इसमें गोमूत्र और भूसा का जो अच्छा कचरा। अब एक बार यहाँ से दिखा देते हैं, धीरज एक बार दिखा दीजिए, यह इसमें आप पुआल और जितना कचरा है अभी डाल देते। गड्ढा है। अच्छा इसमें 6-7 टेलर ये होगा ट्रक। सर कभी 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 इसमें खतरा भी हो सकता है तो इसको जाली वाली लगवा करके ढकवा दीजिए कुछ, या फिर आता नहीं नीचे से 5 फीट हाइट है। हाँ वो तो है ये दरवाजा, लेकिन या फिर बांस का लगवा करके किसी तरह से, क्योंकि इसमें जाएगा तो नीचे चला जाएगा, जान नहीं बचेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। हाँ दिक्कत हो जाएगा। ये है भैया गोमूत्र, और इसी से सनाउल्लाह साहब खेती भी करवाते हैं। इसमें 8 टेलर गोबर ये निकल जाता है। अच्छा में, अच्छा टेलर, अच्छा 10 फीट गड्ढा है। चलिए यह रहा तो संदेश आप दे रहे हैं कि पूरे देशवासी गोवंश जो देसी प्रजाति की गायें हैं, जैसे क्या पहचान उनकी है जो उनका थंब होता है डील होता है? उनके देसी भारतीय गोवंश का पहचान है, यहाँ पर है ना हम्प होना चाहिए, जिसको है ना तिल भी कहते हैं, हम्प भी कहते हैं, और ये झालर सा जो लटका है गलकम्बल ये होना चाहिए, तो ये दो है उसके अंदर तो गाय है। और ये सरपट जो रहती है जिस गाय, जैसे इधर आइए मैं आपको बता हाँ, हम एक मिनट बात करके तब चलते हैं हाँ, एक हाँ। ये हम्प के पीछे भी ये है, वो सूर्य केतु नाड़ू हम्प के ऊपर होता है। अच्छा और जिसके ऊपर आप हाथ भी ऐसा आप घुमाएंगे हाँ हाँ, तो इसको इंग्लिश की भाषा में काउ थेरेपी कहा जाता है। काउ थेरेपी हाँ, अगर एक बार गाय के सर के ऊपर से कंधे पर से हाथ घुमाते हुए दोम तक आ गए हाँ, आपकी गाय अगर खुश होकर के दोम उठा दिया हाँ, तो समझिए आपका काउ थेरेपी हो गया हाँ, हाँ, क्या बात है क्या बात है। आप और बीपी भी नॉर्मल रहता है ऐसा बताते हैं? नॉर्मल रहता है, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, अद्भुत शांति मिलेगा, अद्भुत शांति मिलेगी, हार्ट अटैक कोसों दूर, बीपी आपका नॉर्मल, और भी बीमारियों से आप निजात पाएंगे। और बात मैं बता रहा हूँ भैया, हमारे भारत के लोग ये लालच में पड़े हैं 20 लीटर 18 लीटर, ये हमारी भारतीय गोवंश साहिवाल गाय 14-15-18 लीटर दूध दे रही है, अब कितना दूध चाहिए भैया? चलिए सर एक तीखा सवाल थोड़ा हाँ। सा जो लोगों के जेहन में आता होगा, तमाम लोग देखेंगे और उलझलूल सवाल भी करेंगे। गाय पोषण करती है, गाय का दूध अमृत के समान है, इसका मट्ठा, इसका घी, इसका तमाम दवाएं ही दवाएं हैं, और इससे ऑर्गेनिक खेती भी आप करते हैं, तो गाय को आप पशु मानते हैं अथवा माता? देखिए एक गाय कितने आदमी को दूध पिलाती है तो वो माँ का काम करती है, मगर वो पशु है हाँ, पशु है, उससे हम प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं,
दिलो जान से चाहते हैं, जिसका जीता जागता सबूत हमारी गाय आप देख रहे हैं। दिल करता है मैं कभी मार्केट से आता हूँ, जिस तरह अपने बच्चों के लिए संदेश लाता हूँ, इन गायों के लिए भी लाता हूँ। जब मेरा मोटरसाइकिल स्कूटी रुकेगा तो एक बार गाय आवाज़ लगाएगी हाँ, तो मैं सबको ला कर के, चाहे जो भी सब्जी वगैरह ही हो, सबको ला के खिलाता हूँ, सर पर हाथ घुमाता हूँ। ये समझिए, ये कभी कभी दिल में ये ख्याल आता है। हम लोग भारतीय महाद्वीप में भारत में रहते हैं, हमारे पूर्वज किसी ज़माने में हिंदू थे, तय बात है कि हम लोग धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गए हैं। जी, शास्त्र में लिखा हुआ है कि गाय के अंदर देवताओं का वास है, एक एक रोए में एक एक देवता का वास तो है। कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि भगवान खा रहे हैं और मैं खिला रहा हूँ, ये अद्भुत खुशी की बात है। हाँ, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अगर कोई ईश्वर इस संसार को बनाए है। तो आपके दादाजी भी गोपालक थे? हाँ, खानदानी आप लोग? हमारे दादा परदादा शुरू से ही गोपालक चले आ रहे हैं। वो हमारे आपके आपके भाई लोग भी गाय पालते हैं? हाँ, हमारे भाई के पास एक गाय एक भैंस है। अच्छा, और रिश्ते नाते में क्या करते हैं? हम अपनी सब बहन को गाय दिया, हमारे एक बहनोई को 8 गाय है। अरे वाह, हाँ, क्या बात है। मतलब दहेज में आप गाय देते? हाँ, हैं क्या बात है। अरे वाह, बेटी को गाय देते? अभी एक गाय तो मैं दिया हूँ दहेज में बेटी को। क्या बात, हमारे पास 8 गाय थी। क्या बात। और एक गाय तो एक हमारे मित्र हैं नेपाल के, उनके बच्चे को हार्ट में छेद हो गया, डॉक्टर बताया कि इनको है ना देसी गाय का दूध चाहिए, वो आ गए, उनकी हालत अच्छी नहीं थी, तो एक गाय मैं उनको दे दिया हूँ, वो जब तक दूध दुहेंगे और बाद में हमें गाय लौटा देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपने? हाँ हाँ हाँ। आइए अब दिखाते हैं जो आप बता रहे थे। देखिए साहब, यह है हमारा देश और यह है हमारे देश की संस्कृति, और इस तरह के लोग अभी भी देश में हैं। काश हमारी सरकारें कब इन्हें प्रश्रय देंगी और इनके काम का कब पारितोषिक मिलेगा, जैसे कब सम्मान मिलेगा। जी बताइए। इधर ये इस गाय, ये जो हम देख रहे हैं, हाँ, सूर्य की नाड़ी इसमें है। अच्छा, सूर्य से शक्ति इस गाय को मिलता है। अच्छा, इसके वजह से आप जर्सी गाय, ये जो शक्कर नस्ल की गाय है, और इस गाय में उसका तो सपाट रहता है। हाँ, सपाट रहेगा। इसको वो शक्ति नहीं है, इसका A2 दूध जो है ना, A2 दूध का मतलब हमारी माँ, आपकी माँ का जो दूध है, उस दूध का सेम समतुल्य हो जाता है। सही सही सही। अब ये देखिए, ये गाय, ये गलकम्बल जो है ना, ये प्रमाण है। अच्छा। हमारे भारतीय गोवंश का। और ये हम्प जो लगा है ना, अरे ये बाली जाऊँ, ये क्या है ये देखिए, ये कितना हमसे प्रेम करती है। क्या बात, कोई भैंस भी ऐसा नहीं कर रहे। क्या बात। आइए देखिए, मैं इस गाय के, ये कभी हमारे ऊपर लात नहीं रखेगी, देखिए, देख रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बार लिपटिए इससे, फिर एक बार इधर से ऐसे लिपटिए। क्या बात है। मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ सनाउल्लाह साहब के साथ आकर के। यह अपना देश है साहब, यह देश की संस्कृति है, और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वर्ग और क्यारियों में अपने आप को बांट करके, और हमने देश का नाश कर दिया, राजनेताओं से लेकर के, और जो गांव में ऐसी भावना से जो वर्ग और क्यारियों में अपने आप को सिमटा लिए हैं, उनके लिए एक बड़ा संदेश देना चाहता हूँ। हम हैं दोस्तों आज सनाउल्लाह साहब के घर, गांव का नाम एक बार आप बता दें। मगुरहा, थाना चिरैया और पूर्वी चंपारण मोतिहारी। सर आप अपना नंबर बता दें जिससे अगर लोग कुछ पूछना चाहेंगे। 97 71 हाँ 560 886। चलिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। हाँ। कि आपको कोई असुविधा हो, ये अच्छे वैद्य भी हैं और गायों का इलाज भी करते हैं दूर दूर तक। खनैला बीमारी का जो अक्सर भारत में, हाँ, जो भी डेयरी भाई हमारे खोले हुए हैं, जो थनैला का जो प्रकोप है गाय में, जो दुधारू गाय है उसको पक्का एक रोज ना एक रोज होता ही है, जिससे डेयरी फेल हो जाता है। और थनैला का देसी इलाज मेरे पास एक है, जिससे एकदम जड़ से थनैला खत्म हो जाए, यानी स्रोत बंद हो गया है तो भी चालू हो जाए। इस वीडियो में अगर जगह है तो डाल सकते हैं, इसमें 5-6 मिनट लगेगा। नहीं, हम अलग से उसको अलग से एक कर लेंगे। तो दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। शांत यह है मातृत्व, इसीलिए माता कहा गया है गाय को, और गोपालन गोपालक मैं भी रहा हूँ, चरवाही भी किया हूँ। तो आज सनाउल्लाह साहब के साथ, ये हमारे साथ एक सबसे बड़ी समस्या थी,
अगर हम HF जर्सी गाय रखे हुए होते तो 10 लाख से बेसी रुपये का मैं प्रॉफिट कर चुका होता। मगर ये गाय छोटा छोटा बच्चा दूसरे जगह से उसका ब्लड लाइन का पता लगा के तब जाके मैं ले आके उसको है ना पाल के तैयार करके लेके रखा, तब जाके यहाँ तक हुआ। मेरी 3 गाय 3 जगह निकल गई, नहीं तो 8 गाय था। 2 गाय मैं लिया हूँ करनाल में, एक 1,20,000 में, 1,90,000 में, बहुत बढ़िया प्रजाति की है। और एक थरपारकर जो बची 80,000 में, वो 10 दिन में आ जाएगी। और ये नाथ मैं वहाँ तक बढ़वाऊँगा और मैट का भी दे चुका हूँ। धन्यवाद सर। और अच्छा मेरा एक और सपना है 50 गाय का। ईश्वर अगर हमको जिंदा रखे तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द 50 गाय। आप 100 साल तक जियेंगे और 50 से अधिक गाय होगी आपकी। धन्यवाद सर जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।